नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैपटेक इन्फो में। और आज बताने जा रहे हैं कि अगर आपके लाभुक द्वारा गलती से किसी दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र पर अपना पंजीयन कर दिया गया है तो उसको आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर कैसे मूव कराइए, कैसे लाइएगा आपके पोषक क्षेत्र का है और दूसरे क्षेत्र में जाके गलती से हो गया तो उसको आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर कैसे लीजिएगा और कैसे उसको सत्यापन करके फिर उसका टोकन जनरेट होगा, पोषाहार कैसे दिया जाएगा, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम लोग का जो साइट है ऑलरेडी आप लोग को मालूम है, उसके पीछे हम नहीं जाएंगे, उसमें समय बर्बाद होता है, सीधे आगे बढ़ेंगे। खोल के रखे हैं आप, डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, तो ICDSonlineBH.NIC.in ये हम लोग का साइट है, बता दे रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ से खोल लीजिएगा। इसमें सबसे पहले आंगन आता है, इसी आंगन पर हम लोग क्लिक करेंगे। आंगन पर क्लिक करते ही हम लोग का एक नया लिंक मिलेगा ऑनलाइन निबंधन के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो इसी से क्लिक करके लाभुक आपका रजिस्ट्रेशन किया होगा लेकिन गलती से दूसरे केंद्र पर चला गया है, तो आप भी अब इसी यहीं से उसको मूव करके अपने केंद्र पर लाइएगा। तो चलिए बताते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक किए इसके बाद देखिए क्या खुला, ये मेरा खुल गया नया पेज। इसमें अभी मांग रहा है आधार नंबर, मोबाइल नंबर और 4 अंकों का पासवर्ड। ये जब डलाएगा तो लाभुक का अपना निजी पेज खुलेगा, लेकिन आप सेविका हैं तो सेविका का वर्क करना है, दूसरे जगह से मूव कराना है इस लाभुक को, तो यहाँ क्लिक करके नहीं, ऊपर में देखिए ऊपर दाहिने कोण पर लिखा है लॉगिन रेड कलर से, तो इसी लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। इसी लॉगिन पर जब क्लिक करेंगे तो मांगेगा सीधे, देखिए लॉगिन अब मांगा कि किसका देना है, तो आंगनबाड़ी का देंगे, अपना जो आईडी है वो डालेंगे, ओटीपी जो है वो डालेंगे, फिर कैप्चर डालेंगे, फिर कैप्चर डालेंगे पी, और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के साथ ही हम लोग का एक ठो नया पेज फिर खुलेगा, ऐसे खुल गया देखिए, तो ये खुल गया। तो इसमें 2 ऑप्शन मिलेगा हमको, होम और एक्शन। तो होम में कुछ नहीं करना है, सीधे एक्शन पर आना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो एक्शन पर आकर कुछ देर होल्ड करिए, आपको 1-2 सेकंड एक्शन को दबाए रखना होगा तभी ये ऑप्शन खुलेगा, लैपटॉप पर ऐसे ही खुल जाता है। हमको क्या करना है कि लाभुक को मूव कराना है। अब तो मूव कराने के लिए क्या करेंगे, आंगनबाड़ी अपडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मांग रहा है आधार लाभुक का, जिन्होंने गलती किया है, गलती से अपना रजिस्ट्रेशन दूसरे केंद्र पर कर आए हैं तो उनको कैसे मूव करेंगे, यहाँ से हम मूव करेंगे। तो उसका आधार लेंगे, गेट डिटेल्स करेंगे, गेट डिटेल्स की देखिए आ गया हमारा कि ये कहाँ इंट्री है, तो ये अभी हुसैपुर पंचायत के मुकुंदपुर 160 केंद्र संख्या पर इंट्री है, हमको अपने केंद्र पर लाना है। तो सबसे पहले हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, हम इसी पंचायत के हैं तो सीधे अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, उसी सेंटर सेलेक्ट करके विवरण सुरक्षित कर देंगे, हो जाएगा हमारा काम। अगर दूसरे पंचायत के हैं तो सबसे पहले अपना पंचायत चेंज करेंगे, देखिए हम पंचायत अपना चेंज कर लिए, हुसैपुर से चंचौड़ा कर लीजिए। अब कहाँ हमको अपने सेंटर पर मूव, तो हम अपना सेंटर देखेंगे, हमारा सेंटर 71 है चंचौड़ा, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और विवरण को सुरक्षित करेंगे। इसके बाद हमारे केंद्र पर ये लाभुक जो था हुसैपुर के 160 केंद्र पर अब आ जाएगा चंचौड़ा के 71 नंबर केंद्र पर आ जाएगा मेरा। तो विवरण सुरक्षित करते हैं, मैसेज दे दिया, डेटा सेव सक्सेसफुल्ली, ओके। अब चेक करेंगे कि क्या ये लाभुक हमारे केंद्र पर मूव हुआ या नहीं, तो एक्शन में आएंगे फिर और वेरीफाइड बेनिफिशरी में आएंगे। अभी के अभी मूव किए हैं चूँकि इसको ऑल रहने देंगे, प्रकार में चाहेंगे तो चेंज करने, चेंज करने से क्या होगा कि अगर लाभुक का उसमें 2 रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, गर्भवती भी होगी, धात्री भी होगी या स्कूल का बच्चा भी होगा उसमें अगर रजिस्ट्रेशन कर रही है, तो उसके लिए अगर धात्री है तो उसका बच्चा भी होगा, उसका भी होगा, दोनों का होगा, तो इसलिए प्रकार हम नहीं चेंज करेंगे, सीधे यहाँ आएंगे स्थिति में। तो स्थिति चूँकि अभी मूव किए हैं तो इसमें पूछ रहा है कि स्थिति क्या, सत्यापन की स्थिति, लाभार्थी का सत्यापन, तो सत्यापन की स्थिति अभी मूव किए हैं तो वो पेंडिंग में ही रहेगा, अगर पहले से सत्यापित किया है तो इसमें दिखेगा। तो पेंडिंग लिस्ट हम देखते हैं क्या है, पेंडिंग करेंगे, गेट डिटेल्स करेंगे, वहाँ से मूव कराए थे हम मुन्नी देवी, मुन्ना कुमार को, और यहाँ मूव कर गया है। देखिए इसका 2 बच्चे, एक बच्चा का भी है और एक माता का भी है, तो दोनों का इसमें है, यहाँ आ गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और आप अपना समय देने के लिए। अगर आप तक
चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।